अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। हर जगह पे जिसने भी घर बनाना है, कोई भी बिल्डिंग बननी है, वहाँ पे ईंटें जो हैं वो आम इस्तेमाल होती हैं, टाइलें जो है फर्श पे लगती हैं। और पाकिस्तान में जो है ये फ्लाईश जो ब्रिक्स है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आइटम जो है लॉन्च किया गोल्डन स्टील मिल ने। और ये जो प्लांट है, गोल्डन स्टील मिल का प्लांट है जिस पर ये बन रही हैं। और अगर आप ब्रिक्स खरीदना चाहते हैं तब भी, और अगर आप प्लांट खरीदना चाहते हैं तब भी, ये आपके लिए वीडियो बेहतरीन रहेगी। इस पर जो ब्रिक्स है, ये जो ब्रिक्स बन रही है, ये ब्रिक्स की PSI होती है, जो ताकत होती है ये होती है भट्टे वाली ईंट से ज़्यादा है। 2000 से 2500 इसकी PSI है। और जो इसकी फिनिशिंग है वो भी अच्छी है, इसमें ब्रेकेज भी नहीं है। और इसमें जो सेम आ जाती है बारिशों के बाद वो भी नहीं आती। और जो बाकी ब्लॉक आ जाता है, ब्लॉक में एक प्लांट का ब्लॉक होता है और दूसरा लोकली ब्लॉक होता है जो हाथ वाली मशीन से बनता है, तो उससे भी बहुत आला ब्रिक्स है, क्योंकि उसकी PSI 700-800 या बड़ी मुश्किल से 1100 PSI होती है। इसकी PSI 2000 से 2500 PSI है। और जो मैनुअल मशीन का ब्लॉक है वो टोटल टेढ़ा होता है। अगर आपने उसके ऊपर फेस प्लस्तर करना है तब भी आपको जो है कम से कम कोई 15 से 20 mm की उस पर लेयर लगानी पड़ती है, क्योंकि इतने ज़्यादा उसमें क्रैक्स होते हैं और वो डी शेप होता है ब्लॉक। तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। और अगर आप ये मशीनरी खरीदना चाहते हैं तो ये गोल्डन स्टील मिल्स के नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे, आप गोल्डन स्टील मिल से रब्ता कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, या आप goldenstreetmill.com विजिट कर सकते हैं, उधर से आपको मुकम्मल डिटेल्स मिल जाएंगी। ये जो प्लांट है इसके ऊपर आप मुख्तलिफ आइटम बना सकते हैं, ब्लॉक भी बना सकते हैं, टफ टाइल पेवर्स भी बना सकते हैं, करप्शन भी बना सकते हैं, और ईंटें भी बना सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन, मुख्तलिफ साइज़ में आप ये सारी आइटम बना सकते हैं। कारोबारी हवाले से बिज़नेस के लिए भी बेहतरीन ऑप्शन है। और आने वाले वक्त में जो फ्लाईश ब्रिक्स है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। अभी मुख्तलिफ जगह पे आस्ता आस्ता प्लांट लग रहे हैं, और उसी तरह से जैसे जैसे लोगों में अवेलेबिलिटी ब्रिक्स की होती जाएगी, वैसे वैसे ही मार्केट जो है वो ग्रो करती जाएगी। अभी क्योंकि प्रॉब्लम आ रहा है अवेलेबिलिटी में, लोगों के पास अवेलेबिलिटी का इशू आ रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही जितनी ज़्यादा डिमांड है। तो आने वाले वक्त के लिए बेहतरीन, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आप गोल्डन स्टील से रब्ता कीजिए। बाकी जो इसमें मटेरियल आ जाते हैं, मटेरियल लोकली मटेरियल हैं जो हमारे आम इस्तेमाल होते हैं, रेत है, बजरी है, सीमेंट है, और खाका है, स्टोन डस्ट जो है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो फ्लाईएश है। फ्लाईएश जो है वो आपको जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं उसमें से वेस्ट होती है, और एफ क्लास जो फ्लाईएश है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए जो है वो आप jio2.tv, ये आपको नीचे हम लिंक दे देंगे, तो उधर से भी आप इसकी परचेजिंग जो है वो कर सकते हैं। जिस हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इस इंडस्ट्री के हवाले से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसमें सारी जो ऑप्शंस हैं वो आपको इजीली लर्निंग के लिए भी मिल जाएंगी, और आपको जो भी नॉलेज चाहिए होगा तो आप कमेंट करके भी पता कर सकते हैं। तो ये आप प्लांट देख रहे हैं, बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें मिक्सर मशीन है, कन्वेयर बेल्ट है, और मुकम्मल प्लांट है। इसका मॉडल जो है GSM 15 मॉडल है इस प्लांट का। और इसकी जो प्रोडक्शन आ जाती है वो आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली एक दिन की, अगर ब्रिक्स की बात करें ईंटों की तो 10,000 ईंटें बना सकता है 10 घंटे में, और अगर टाइल की बात करें तो तकरीबन 15,000 टाइल बनती हैं इसके ऊपर, और अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं तो तकरीबन 6,000 ब्लॉक बनते हैं। और ये वाला मुकम्मल प्लांट है, इसमें पीछे मिक्सर मशीन में से मटेरियल डालते हैं लेबर ने, पीछे मिक्सर मशीन में मटेरियल जैसे डालेंगे उधर से मिक्स होकर थ्रू कन्वेयर बेल्ट के प्लांट में आ जाएगा, और आगे से इधर जो ऑपरेटर बैठा हुआ है प्लांट को ऑपरेट कर रहा है, और इधर से जो ब्रिक्स बन रही हैं वो बन बन के बाहर आती रहेंगी।